साथ मिलजुल के हम लोग चांदो सुन रहे थे साथ में था अभी यखना का और वहाँ पे अभी ये पी के आया था अब सुबह आते थे तबियत खराब हो गया इसका रात में दारू पिया था इन लोगों की मौत शराब पीने से हुई है। हाँ शराब पीने से हो रही है। अभी तक मेडिकल रिपोर्ट हम लोग को प्राप्त नहीं है। कल हम लोगों ने एक 3 मेंबर्स कमेटी भी गठित की थी कल रात में और कुछ बॉडीज हम लोग को जो प्राप्त है उसका हम लोग पोस्टमार्टम करवा रहे हैं। कुछ ब्लड सैंपल भी हम लोग प्राप्त हुआ है, हम लोग एम्बुलेंस में भेज रहे हैं। मेडिकल रिपोर्ट आने के पश्चात ही हम लोग कॉज ऑफ डेथ की पुष्टि कर रहे हैं। बिहार सरकार इसको ढकने में लगी है, कल से कह रही है कोई अलग सी बीमारी से मौत हो गई। क्या हवा ऐसी चली जिससे मौत हो गई? जहरीली शराब से मौत हुई है, बिहार सरकार को स्वीकार करना चाहिए और उनको ये ध्यान देना चाहिए कि जब तक आप शराब बंदी तो कर देंगे लेकिन अपराध बंदी नहीं करेंगे। जब तक कानून का राज स्थापित नहीं करेंगे तो कोई भी कानून बना लें वो जमीन पर लागू होने वाला नहीं है। महिलाओं को अपना वोट बैंक बनाने के लिए जिस तरीके से उन्होंने शराबबंदी को लेकर उन्होंने तत्परता दिखाई है, ये शराबबंदी करना उनका लक्ष्य नहीं है, उनका एक अपना राजनीतिक लक्ष्य है जिसकी वजह से उन्होंने शराबबंदी जैसा प्रस्ताव वो सामने लेकर आए। इतने लोग होश में हैं, उनसे जब जिला प्रशासन की टीम पूछताछ कर रही है तो वो कहते हैं कि हमने शराब नहीं पी और उन्हीं के जो परिजन जिनकी मृत्यु हो गई उनके परिजन कहते हैं कि शराब पीने से मृत्यु हुई। और गोपालगंज जिला जो है वो उत्तर प्रदेश से बॉर्डरिंग जिला है, हमारे लिए चिंता का विषय इसलिए भी है कि अगर ये वाकई में शराब पीने से मौत हुई है तो ये शराब आई कहाँ से? जाहिर है कि या तो उत्तर प्रदेश से आई है या नहीं तो कोई नकली शराब का मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है। तो इन तमाम पहलुओं की जांच, गहन जांच होनी जरूरी है, इसलिए 3 कमेटी बनाई गई है जो जांच रिपोर्ट करके 24 घंटे में अपनी रिपोर्ट देगी। मैं मानता हूँ कि हम लोगों ने बैन किया है लेकिन इसके बैन के बावजूद भी कई लोग जो है वो 2 नंबर का धंधा करने लगते हैं, वो पकड़े जाएंगे और कानून के हवाले किए जाएंगे और जो हम लोगों ने पास किया है शराबबंदी का कानून उसके अंतर्गत सब लोग अंदर जाएंगे।